स्वागत है सभी का स्टडी एंड यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है, और मेंडल के लॉ के बारे में, चार तरह के लॉ थे जो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस मेटिंग ऑफ पेरेंट्स टू फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। क्रॉस मतलब जब पेरेंट मेटिंग करते हैं जिससे ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान पैदा होता है, ठीक है। अब जो क्रॉस है वो दो तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब एक कैरेक्टर को लेकर उस पर स्टडी किया जाए तो उससे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जैसे कि ये हमने एक कैरेक्टर लिया और उस पर जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जब उसका क्रॉस कराते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है इस पर जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग एक कैरेक्टर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये। अब ये हमारे ये टॉल का गैमेट है, ठीक है, टॉल और ये ड्वार्फ। और जो टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। और जो ड्वार्फ वाला है वो है रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। अब जैसा कि मेंडल का फोर्थ लॉ था उसमें क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या मेंडल ने बताया था कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो भी क्रोमोसोम है, जो भी ये हमारे जीन्स हैं, जो भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जो प्रत्येक जो जीन से वो किसी खास अपने कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो जीन्स हैं, जो गैमेट्स हैं, वो क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और ये दोनों अलग हो चुके हैं। ये क्या है, ड्वार्फ के लिए है, ये क्या है, टॉल के लिए है, ठीक है। और जो टॉल वाला है जीन वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ वाला वो रिसेसिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, मतलब किस तरह के प्लांट का ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो उनमें क्या नेचर होगा, ठीक है, जीन का इस कैरेक्टर को लेके, ठीक है। तो देखिए अगर ये गैमेट इससे मेटिंग करता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, ठीक है। अगर यही गैमेट इससे भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा ये, ठीक है। जब ये गैमेट इससे फॉर्म करता है, इससे मेटिंग करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, और इससे करता है तो ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये चार तरह का जो है पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मतलब चार तरह के जो ऑफस्प्रिंग है उनमें चार तरह का ये हमारा कैरेक्टर है जो उनमें दिखेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो टॉल वाला जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फ वाला है वो रिसेसिव है। तो इसमें क्या होगा, इसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों है, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कौन सा कैरेक्टर दिखाई देगा, उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देगा वो क्या होगा, टॉल होगा। मतलब जो चारों सिचुएशन होगा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का, उसमें चारों जो होगा वो टॉल होंगे। क्या होंगे? टॉल होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो गैमेट है ये तो हमने प्योर लिया था ना, मैंने बताया था प्योर और हाइब्रिड दो तरह के होते हैं, ठीक है, प्योर क्रोमोजोम और हाइब्रिड क्रोमोजोम। लेकिन ये जो है ये क्या है, हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है। लेकिन फिर भी चूंकि इनमें डोमिनेंट है टी, तो इसके चलते इनकी जो कैरेक्टर होगी वो टॉल वाली होगी, ठीक है। और इससे ही हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, फिर इनके बीच भी मीटिंग होगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, इन दोनों बीच मीटिंग होता है, ठीक है, हम आगे समझते हैं। तो उनके में कौन सा कैरेक्टर दिखाई देगा, जब F1 जनरेशन के बीच, जब F1 जनरेशन के बीच मेटिंग होगा तो जो गैमेट अलग अलग हो जाएंगे, तो ये एक टी वाला और ये एक ड्वार्फ वाला, ठीक है, टॉल वाला, एक टॉल वाला और एक ड्वार्फ वाला जीन अलग हो जाता है ना,
अब देखिए यहाँ पे भी चार पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। एक क्या होगा हमारा, या तो क्योंकि दोनों कैपिटल टी है तो टी टी, ठीक है, मतलब ये टॉल होगा, ठीक है, ये हमारा टॉल होगा लेकिन ये हाइब्रिड है, ठीक है। ये क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें एक और रिसेसिव जीन है वो ड्वार्फ वाला है, टॉल रहेगा लेकिन ये हाइब्रिड जीन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा वो होगा हमारा, चूंकि दोनों इसमें ड्वार्फ वाले जीन्स है तो जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ड्वार्फ वाला होगा, ठीक है। तो जो F2, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन है, ठीक है। F2 जनरेशन कैसे है, तो ये तो पहला था, और जो पहला के बीच जब मेटिंग हुआ, जब क्रॉस हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, जो ऑफस्प्रिंग बना वो F2 जनरेशन का बना, ठीक है। अब इनके में क्या आप देख सकते हैं कि एक जो होगा वो प्योर है, ठीक है, और टॉल है। दो जो है टॉल है क्योंकि टॉल का जो जीन था वो डोमिनेंट था, लेकिन इनके जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, वो क्या है, वो हाइब्रिड है, ठीक है। और एक जो है हमारा ड्वार्फ होगा लेकिन प्योर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का रेशियो निकाला जाता है, दो तरह का रेशियो निकाला जाता है। एक होता है हमारा फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक, और दूसरा होता है हमारा जीनोटाइपिक। जब ऑफस्प्रिंग के बाहरी कैरेक्टर को लेकर, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर को लेकर जब उसका रेशियो निकल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक। और जब जीन का जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो ऑर्डर है उस पे जब हम लोग, ठीक है, उसका जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए हम लोग F2 जो जनरेशन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन है उसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो टी, मतलब जो टॉल वाला जो जीन था वो क्या था, ज्यादा डोमिनेंस था, और जो ड्वार्फ वाला जीन था वो रिसेसिव था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये तीन जो हमारे ऑफस्प्रिंग हो गए उनमें टॉल वाला लक्षण प्रदर्शित होगा, मतलब टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो आएगा ना, मतलब वो लंबे लंबे होंगे, भले ही हाइब्रिड है लेकिन उनका कैरेक्टर क्या होगा, फिजिकल जो कैरेक्टर क्या होगा, वो लंबे लंबे होंगे, ठीक है। तो टॉल जो होगा वो तीन होगा, और एक जो है ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ का 1 होगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक है। अब जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप में तीन सिचुएशन है, एक तो टॉल का प्योर जीन, या फिर हाइब्रिड जीन, और ड्वार्फ का प्योर जीन, ठीक है, ये तीन है सिचुएशन। अब यहाँ पे जो टॉल का प्योर जीन है उसे कितने चांसेस है, 1 है ना, ये कितने हैं, 2 हैं, और जो ड्वार्फ वाला है वो कितना है, 1 है। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं इस तरह क्वेश्चंस रेशियो का, तो ध्यान रखिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो होगा वो 3.1 होगा, सॉरी 3:1 होगा, और जो जीनोटाइप होगा वो 1:2:1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका हमने F1 रिप्रोडक्शन देखा, और फिर देखा कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है उनका। अब जो दूसरा हमारा क्रॉस है वो क्या है, वो है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है, वो क्या था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा याद रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हम लोग दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर को। जैसे हमने पहले में क्या देखा था, सिर्फ उसकी लंबाई देखी थी, मतलब छोटा या फिर बड़ा है, लेकिन जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो क्रॉस होता है वो दो कैरेक्टर से होता है, ठीक है, वहाँ पे दो कैरेक्टर को वहाँ पे स्टडी किया जाता है। जैसे कि एक एक का जो फ्लावर है वो येलो है, ठीक है, ये तुम्हारा एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन हम दो कैरेक्टर पर स्टडी कर रहे हैं। तो दूसरा कैरेक्टर क्या है, ये राउंड 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 जो सीड है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर क्या है कि जो फ्लावर की जो कलर है वो येलो है,
और एक की जो सीड का जो शेप है वो क्या है, राउंड है, ठीक है। और दूसरी कैरेक्टर क्या है हमारी, ठीक है, कि जो फ्लावर की जो कलर है वो ग्रीन है, ठीक है, और राउंड का जो शेप है वो रिंकल्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो कलर है उसमें येलो डोमिनेंस है और राउंड डोमिनेंस है, ठीक है, और जो ग्रीन है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या थे हमारी, ग्रीन कलर फ्लावर का और सीड का रिंकल्ड शेप, और इसका क्या था हमारा, येलो कलर ऑफ फ्लावर और राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप। अब देखिए यहाँ पे जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो पता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होगा, और जो गैमेट है वो अलग अलग में हो जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं तो जो इसमें क्या होगा, पेयर बनेगा, ठीक है। तो एक क्या होगा, तो इनका गैमेट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, होगा ना, और इनका जो गैमेट होगा वो क्या होगा, ठीक है, होगा ना, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो चारों जो सिचुएशन होगा उसमें सिचुएशन क्या होगा, जो भी जीन बनेगा वो हाइब्रिड बनेगा, लेकिन जो कि डोमिनेंस किसका है, येलो और राउंड का है, तो जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा उसमें वो येलो कलर ही होगा और राउंड शेप ही होगा, ठीक है, लेकिन जो जीन हो जाएगा वो हाइब्रिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, F1 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये तो था हमारा F1 जनरेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस का। जब इसका F2 जनरेशन होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन, देखिए यहां पे हमारे दो गैमेट है, ठीक है, जिनका क्रॉसिंग होगा। अब देखिए यहां पे ये तो हो सकता है ना कि ये जो है वो इससे करे, ठीक है, ये जो है इससे करे, ठीक है, इसमें बहुत सी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि इस पर दो कैरेक्टर है, ठीक है, और कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थे, सभी क्या है, अलग है, अपने कैरेक्टर के लिए अलग है, ठीक है, तो सबके लिए किसी भी तरह का रैंडमली क्या हो सकता है, सिक्वेंस बन सकता है। तो यहाँ पे चूंकि चार तरह की नहीं होगी, जो हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड में उसमें चूंकि हमने एक ही कैरेक्टर लेकर डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने दो कैरेक्टर डिस्कस किया है तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक का ये गैमेट हो सकता है, या फिर येलो कलर एंड रिंकल शेप हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर एंड राउंड सीड हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, ग्रीन कलर और रिंकल शीट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सभी क्या है, अलग अलग है, और अपने कैरेक्टर के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखिए तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ये जी, या फिर ये क्या हो सकता है, ग्रीन और राउंड हो सकता है, या फिर ग्रीन और रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 तरह की सिचुएशंस होगी, कितनी तरह की, 16 तरह की सिचुएशंस बनेंगी,
कितनी तरह से बनेंगे, 16 तरह के, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये सिचुएशन होता है तो क्या होगा, येलो एंड राउंड शेप, येलो एंड राउंड शेप, लेकिन ये हाइब्रिड होगा हमारा, येलो एंड राउंड शेप, लेकिन ये भी हाइब्रिड होगा, और येलो एंड राउंड शेप, ये भी हाइब्रिड होगा, ठीक है। ये भी हमारा हाइब्रिड होगा, लेकिन ये भी क्या होगा, चूंकि इसमें डोमिनेंस क्या है, येलो है, ठीक है, और शेप राउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चूंकि इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो कैरेक्टर होगा वो येलो और राउंड होगा, लेकिन जो इनका जीन है वो क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हैं और 16 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो दो कैरेक्टर्स पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई एक नहीं है, यहाँ पे चूंकि हम लोग दो कैरेक्टर्स पे स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 तरह की सिचुएशन बन सकती है। अब इनका हम लोग, चूंकि ये कौन सी है, ये एफ टू जनरेशन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की ये क्या है, एफ टू जनरेशन है ना। अब यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल कैरेक्टर पे फिनोटाइपिक, वो क्या हो सकता है, एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि जो गैमिट हो वो टॉल हो, ठीक है, टॉल हो और राउंड शेप हो, टॉल हो और क्या हो, राउंड शेप हो ना, टॉल हो और राउंड शेप हो, ठीक है, या फिर टॉल हो, टॉल हो और रिंकल्ड शेप हो, ठीक है, या फिर शॉर्ट हो लेकिन राउंड शेप हो, या फिर शॉर्ट हो और रिंकल्ड शेप हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार सिचुएशन से इस तरह का फिनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिल सकता है, या तो टॉल हो और राउंड हो, दूसरा सिचुएशन है कि या तो टॉल हो या फिर रिंकल्ड हो, ठीक है, तीसरा है कि या शॉर्ट हो और राउंड हो, और चौथा क्या है हमारा, शॉर्ट हो और रिंकल्ड हो। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि जो हमारा टॉल वाला जो सॉरी जो येलो वाला, अच्छा अच्छा हाँ, जो येलो वाला जो हमारा कलर था वो क्या था, डोमिनेंस था, और जो ग्रीन वाला था वो क्या था, रिसेसिव था, ठीक है। उसी तरह जो हमारा राउंड शेप था वो डोमिनेंस था, और जो रिंकल्ड शेप था वो क्या था, रिसेसिव था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉल और राउंड शेप होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, मतलब जो टॉल और राउंड सिचुएशन रहेगा फिनोटाइपिक का उसमें क्या होगा, नाइन होगा, होगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, येलो लेकिन रिंकल्ड, ठीक है, अब रिंकल्ड कौन कौन होगा, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दो और ये तुम्हारा एक हो गया, ये दो हो गया और ये हो गया, देखिए यहाँ पे तीन, ठीक है। तो ये ऐसा सिचुएशन कैसे बनेगा, या तो सॉरी टॉल नहीं, येलो हो, ठीक है, और राउंड हो, और यहाँ पे जो सिचुएशन होगा वो होगा येलो और रिंकल्ड, रिंकल्ड तो कितना होगा, तीन होगा, ठीक है। तीसरा सिचुएशन ये है कि ग्रीन हो लेकिन क्या हो, राउंड हो, ग्रीन हो और
राउंड हो। तो यहाँ पे अब कितने दिख सकते हैं जहाँ पे ग्रीन और राउंड का सेक्शन बनेगा, तो एक दो और ये तीन, ठीक है। तो ऐसे तीन सिचुएशंस हैं यहाँ पे ग्रीन और राउंड का गैमेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और चौथा है हमारा कि शॉर्ट और रिंकल्ड। तो हमारे यहाँ पे एक लास्ट बचता है ये वाला, यहाँ पे क्या बनेगा, जो गैमेट बनेगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है, और क्या होगा, रिंकल्ड होगा। तो क्या हमारा रेशियो होगा, 9:3:1, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो याद रखिएगा 9:3:1, और ये हर एक जगह पर मतलब ये लागू होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे टॉल रहता और राउंड रहता तभी यही सिचुएशन रहता। कोई भी जब दो कैरेक्टर के लेके जब हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर हो, वहाँ पे रेशियो यही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि क्रॉस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनका हमने फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब कैसे पता चलता है कि कोई लड़का होगा या फिर बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में लिंग निर्धारण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल गैमेट होता है वो एक्सेस होता है, एक्स और एक्स, ठीक है। एक ह्यूमन के क्रोमोसोम में कितने तरह के कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर होते हैं ना। अब जो 46 क्रोमोसोम है उसमें 44 और एक्स एक्स होता है फीमेल में, ठीक है, और 44 एंड एक्स वाई होता है मेल में। यहाँ पे जो ये 44 है ये इसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और ये जो होता है हमारा हमारे सेक्स डिटरमिनेशन के काम आता है, ठीक है, मतलब ये निर्धारण करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, ठीक है। तो हर एक सेल में क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई फीमेल है, ठीक है, उनमें तो आपको पता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में एक्स वाई होता है ना। अब इनका जब गैमेट फॉर्म होगा तो ये एक्स एक्स होगा और इनका एक्स वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार सिचुएशन हो सकता है, या तो ये जो गैमेट है वो जाके इससे मेटिंग करे और क्या फॉर्म करे, एक्स एक्स, या फिर ये जाके इससे करे और एक्स वाई, या फिर ये जाए इससे करे और एक्स एक्स, या फिर एक्स वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेस कितना है, दो है, और एक्स वाई कितना है, दो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 50-50% चांस होता है कि कोई बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो मेल होता है वो क्या होता है, क्योंकि इनमें दोनों जो जीन्स हैं, दोनों जो जीन्स हैं वो क्या है, सेम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोजीनियस। और जो मेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है। हेट्रोगैमेटस एंड होमोगैमेटस, ठीक है। तो आज के क्लास को हम खत्म करते हैं, और जो इवोल्यूशन है उससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अगर कोई भी दिक्कत हो स्टूडेंट आपको तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और स्टडी टेंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को 6 से लेकर 10th तक सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोज हैं यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं, अपलोड कराए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज अपलोड हो आप तक वो पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।